तो बच्चों हम बात करेंगे बेसिसिटी की। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो एसिडिटी की बनाई है, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बेसिसिटी पे। बेसिसिटी एसिडिटी की अपोजिट होती है, तो देखते हैं बच्चों। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात की जाती है, कोई कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना, किसी एच ए प्लस को कितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो डिपेंड करती है बेसिसिटी पे। तो किसी पर कोई चीज़ अवेलेबल होगी तभी दे पाएगा, जितने अच्छे से ये लोन पेयर अवेलेबल किसी एटम पर होंगे तो उतने आसानी से दूसरे को दे पाएगा। किसी पर कोई चीज़ हो ना तो दे कैसे पाएगा। तो हाँ, बेसिसिटी किस तरह से डिपेंड करेगी, यहाँ बिल्कुल कॉमन सेंस की बात हो गई। अगर इस एटम पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊँ, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगाऊंगा, तो इनकी जो उपलब्धता है, इनकी जो एबिलिटी है, ज़्यादा हो जाएगी और बेटर बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटर बेस बनेगा। क्लियर है बात, ये समझ में आ रही होगी, बेटर बेस बनेगा, है ना। अगर इसी एटम पर जो इलेक्ट्रॉन देने की बात कर रहा है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग खींचने वाले लगा दूंगा, तो इस पर जो इसकी उपलब्धता है, अवेबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दूंगा। अगर खींचने वाले ग्रुप लगा दें तो बेसिक बात है, खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ पर उसकी अवेबिलिटी, उपलब्धता कम हो जाएगी। जब एबिलिटी कम हो जाएगी तो एच प्लस को कैसे दे पाएगा, उसी के पास अवेलेबल नहीं है तो दूसरे को कैसे दे पाएगा, दे नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल कॉमन सेंस के आधार पर हम बेसिसिटी कंपेरिजन कर सकते हैं कि वो किस तरह से, उसके जो एडजेसेंट वाले ग्रुप्स हैं वो किस तरह के लगे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे और एच प्लस को आसानी से देगा और बेटर बेस बनेगा। अगर उससे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उन पर जो उपलब्धता, एबिलिटी है लोन पेयर की, वो कम हो जाएगी और एच प्लस को आसानी से नहीं दे पाएगा। वो तो कंपाउंड की तरफ को जा रहा है, फिर वो वीक बेस की तरफ को जा रहा है, ठीक है। यही एक फंडा है जिसके बेसिस पर हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड की बेसिसिटी की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे, कुछ और कंपाउंड लिखूंगा। ये तीन कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जो ये नाइट्रोजन है कितना, किसमें किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, तो डिपेंड करेगी किस पे, लोन पेयर, क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन देने की बात है यहाँ पर बेसिसिटी में। तो नाइट्रोजन कितने अच्छे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो इन तीन कंपाउंड में कंपेरिजन करें तो बच्चों यहाँ जो सिक्वेंस आ रहा है, ये सिक्वेंस आ रहा है, ये सबसे बेटर बेस है, फिर ये सबसे वीक बेस ये रहा। रीज़न क्या हुआ, यहाँ पर जो लोन पेयर हैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके पड़ोसी जो है एच हैं, वो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ को नहीं खींचा है। लेकिन इस कंपाउंड को कंपेरिजन करेंगे तो एक एच की जगह पर हमने क्या लगा दिया है, आर सी ओ ग्रुप लगा दिया है, जो इस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू विड्रॉ करेगा। जैसे कि हम जानते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी, ये इधर आया तो ये इधर, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप इसके एडजेसेंट में क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट, है ना। ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है, मीजोमेरिक इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन उस पर अवेलेबल नहीं रहने दे रहा, जब अवेलेबल नहीं रहने दे रहा तो इसकी पीके वैल्यू की वजह कम हो जाएगी, मतलब ये लोन पेयर जो है एच प्लस के लिए क्या रहेगा, कम अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ये कार्बोनिल ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया, है ना, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, आर सी ओ निगेटिव एन एच एच डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो लोन पेयर थे अब वो कहाँ चले गए, देखा जाए तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में चेंज हो गए, ऑक्सीजन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए। तो नाइट्रोजन की जो बेसिसिटी है वो बेसिक बात है कम हो जाएगी, वो किसकी वजह से हुई, ड्यू टू दिस एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसकी उपस्थिति की वजह से, क्योंकि वो क्या कर रहा है, लोन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ कर ले रहा है। अब देखिए नेक्स्ट जो थैलामाइड के अंदर सिचुएशन आ रही है, थैलामाइड और वीक बेस बन जाता है। रीज़न क्या है, अरे यहाँ तो एक एक कार्बोनिल था, यहाँ दो दो कार्बोनिल एडजेसेंट में लग गए, जो कि क्या करेंगे, उसके लोन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ इसके साथ भी अवेलेबल रहेगी मीजोमेरिक इफेक्ट, और इसके साथ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। तो नाइट्रोजन पर तो जो लोन पेयर है वो बहुत कम अवेलेबल होगा, उसकी अमाउंट काफ़ी कम अवेलेबल होगी नाइट्रोजन पे, इस वजह से इसकी बेसिसिटी और का है ना डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिसिटी को जो हम मेन देखेंगे किसी कंपाउंड पे कितना अच्छे से अवेलेबल है, ठीक है। कुछ और कंपाउंड की बात करते हैं यहाँ पर, तो मेन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, जितने ज़्यादा उपलब्ध होंगी इलेक्ट्रॉन तो उतना ज़्यादा बेसिक वो रहेगा, अगर कम बेसिक है, कम उपलब्ध है तो वो कम बेसिक रहेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा अवेलेबल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी बढ़ाते हैं, विड्राइंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं, ये विड्राइंग है ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच रहे हैं दो ग्रुप्स, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कुछ और कंपाउंड्स की बात करता हूँ बच्चों, अगर मैं कंपेरिजन कराना चाहूँ यहाँ पर, ठीक
ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह की दो कंपाउंड्स लगा दी, ये एच प्राइमरी एमीन है। इसका कंपैरिजन आप जो है जब यहाँ पर बच्चों इमीन ग्रुप है, ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो बताओ कौन सा बेटर बेस होगा, है ना, कौन सा बेटर बेस होगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पर एक एच है हम, क्योंकि नाइट्रोजन तो तीन ही बॉन्ड्स बनाता है, ये लोन पेयर, कौन सा बेटर बेस होगा, कौन सा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो डिपेंड करता है ना। अब यहाँ देखो किस तरह से देख पाएंगे हम, यहाँ पर देखनी पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो ये देखिए नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो इसमें क्या है, मोर एस करेक्टर है, मोर एस करेक्टर होने की वजह से ये क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया एटम। ये नाइट्रोजन इसके नाइट्रोजन के कंपेरिजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गई, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखना, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पकड़ के रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इतना अच्छे से पकड़ के नहीं रखेगा। जब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के ज़्यादा रखा हुआ है, ज़्यादा कंजूस हो गया ये, तो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से H+ को नहीं दे पाएगा। तो कुछ मिला करके यहाँ पर किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, इस कंपाउंड की बेसिसिटी इस कंपाउंड के कंपेरिजन में ज़्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिड। अगर ऐसी नाइट्राइल जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी बेसिसिटी और डिक्रीज हो जाती है। अगर बच्चों मैं यहाँ पर इस कंपेरिजन इसकी बात करूँ, मिथाइल नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है C(NN), तो ये तो प्रोटोनेट करना बहुत मुश्किल है, इसकी बेसिसिटी और ज़्यादा, इनसे भी और कम डिक्रीज हो गई। रीज़न क्या रहा बच्चों, क्योंकि ये जो कार्बन है ये क्या हो गया, sp हाइब्रिड हो गया, या कहूँ ये नाइट्रोजन जो है sp हाइब्रिड हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इसके अंदर मोर एस करेक्टर आ गया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो गई मतलब ज़्यादा ताकतवर हो गई, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींच करके रखेगा, अपनी तरफ बेटर रखेगा, तो ये आसानी से H+ के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई और ज़्यादा डिक्रीज हो गई। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने बात की इन एग्जांपल्स में कि हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड, हाइब्रिडाइजेशन जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ रहा है तो उनकी बेसिसिटी को क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। ऐसे कुछ और कंपाउंड की बात कर लेते हैं, कुछ और एमीन की बात कर लेते हैं। बेसिक यही रहेगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर अवेलेबल रहते हैं उतना वो ज़्यादा बेसिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन पर बढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसको मोर बेसिक बना रहे हैं। लेकिन अगर उसे खींचने वाले हुए, छीनने वाले हुए, तो नाइट्रोजन बेचारा क्या हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो अच्छे से वो दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, है ना, बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल से मैं यहाँ पर कोई और एग्जांपल लेकर के आप बात करता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ बच्चों, यहाँ पर एमीन का ही कंपैरिजन कर लेते हैं, NH2 और यहाँ पर बच्चों दूसरा मैंने लगा दिया NH2 और यहाँ पर मैंने ग्रुप लगा दिया CF3 ग्रुप लगा दिया। तो CF3 फ्लोरीन तो बहुत अच्छे इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से बिठा करेंगे, तो इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट के हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रा किया अपनी तरफ, तो इसकी बेसिसिटी लेस हो जाएगी। इसके कंपैरिजन में ये कंपाउंड क्या होगा, मोर बेसिक होगा। इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इवान? तो यहाँ पर बच्चों ठीक है, इतने नेसेसिटी का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे दूसरे को।